शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या स्टाइल है काम भाई, आपने अपने जान बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जिसके हाथ में मौत लिखी हो हम उससे हाथ नहीं मिलाते। अगर ये बात अगर तुमने मेरी जान की बचाई इसलिए कि तू दूसरे के हाथ से नहीं मेरे हाथ से मरेगा, लेकिन तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी? दुश्मनी उस आदमी से है जिसका नापाक खून तेरे जिस्म की गंदी नाली में बहता है। खान, खामोश! तुम्हारे मकार बाप ने मेरे बाप का खून किया और तब हम अपना मरहूम बाप का मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाया। ये मिट्टी जो यादाश्त का तस्वीर बनकर हमारे गले में लटकता है इसका कसम, जब तक तेरे बाप का पूरा खानदान खत्म नहीं करेगा खुदा कसम, ना मौत को करीब आने देगा ना कफन पहनेगा। Thank you.
आशा क्या हुआ? लड़का हुआ कि लड़की? आशा आशा आश आश एक्सक्यूज मी मिसेस दलाल, यस हियर इज योर बेबी। ये लड़का है ना? आहा, ये लड़की है। मुबारक हो। लड़की है ऊपर से मुबारक हो, शर्म नहीं आती है? ले जाओ उसको। क्या कहाँ ले जाओ? जहन्नम में, कचरे के डब्बे में फेंक दो उसको। What nonsense, Mr. Dalal, don't be so rude. देखो सा, हाय दलाल जूता वाला भाई, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई। क्या खुशी की बात है यार, यहाँ मैं बर्बाद हो रहा हूँ। क्या? मेरी बीवी का जो बाप है, मेरा ससुर, 5 जूतों की कंपनी का मालिक है। उसकी ये शर्त है कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा होगा तो वो सारी फैक्ट्रियां जो है मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर देगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो सारी जायदाद फकीरों में बांट देगा और मुझे फकीर बना देगा। लेकिन अगर मैं फकीर बना डिकोस्टा, तो मैं अकेले तो नहीं बनूंगा, मेरे साथ तुम भी फकीर बनोगे। क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, अगर फायदे में साथ रहे तो नुकसान में भी साथ में रहना पड़ेगा। मैं दुनिया को बतला दूंगा, कानून को बतला दूंगा कि तुम पहले एक मामूली से कंपाउंडर थे, पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट लिए डॉक्टरी के, झूठ मूठ के डॉक्टर बन गए, और तुम्हारी बीवी जूली फौरन तुमसे तलाक ले लेगी। और शटअप यार। अभी शटअप को शटडाउन करने का एक तरीका बताता हूँ, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी और साथ में तेरी नैया भी पार हो जाएगी। मुबारक हो इंस्पेक्टर खन्ना, आपको बेटा हुआ है। मुझे बेटा हुआ है? अरे नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें बेटा हुआ है, हमें बेटा हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर हम कितना इंतजार कर रहे थे दोनों। हाँ, दोनों इंतजार कर रहे थे, मैं और आपका बेटा। ओहो। ये छोटे इंस्पेक्टर साहब, अपने माँ बाप पसंद आया नहीं तुम्हें? अब तो आप जल्दी लौट आएंगे ना सर ड्यूटी से? क्यों? क्योंकि हम दोनों माँ बेटे आपका इंतजार करते होंगे। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब। हेलो माय बेबी। सो रहा है? हेलो, ये लड़का है लड़की? ये लड़का है। किसका है? इंस्पेक्टर कपिल का। ले जाने वाली औलाद नहीं चाहिए, जहेज लाने वाली औलाद चाहिए। What are you doing, Mr. Dalal? Oh, Miss Rosie, सुना है कि तुम लंदन जाना चाहती हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, वो दूसरी शादी कर लेगा, है ना? यस। तो लंदन जाने आने का टिकट का खर्चा, पैसों का खर्चा सब मैं दूंगा, अगर तुम ये बच्चों का नंबर रजिस्टर में बदल दो तो। ओके, मुस्करा के बोले। लड़का हुआ है? लड़का? नर्स तो कह रही थी कि लड़की हुई है। नर्स का दिमाग खराब है, लड़का हुआ है ना? लड़की भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती है। कहेगी लक्ष्मी, लड़की जब आती है तो सारा ले जाती है माल पैसा जायज की जगह में। तो ना मुझे दे दो मेरे बच्चे को, मेरा बेटा। आपको बेटी हुई है? हाँ हाँ, आपको बेटी पैदा हुई है, नंबर 108। ये बच्चा कहाँ से ले आए तुम? मेरा बेटा ले आओ। ये आप ही की बेटी है? नहीं, ये मिस्टर दलाल मेरे को बोला लंदन का सारा खर्चा दे देंगे, अगर इन्होंने खर्चा नहीं दिया मैं सबको बोल दूंगी। बहुत ही बोलो, अगर ये नहीं देगा तो अपन देगा। कॉफी अभी पिलाओ यार इसको। शक्कर कितनी? और शक्कर कितनी नहीं यार, तुम भी कमाल खाती हो, तुम्हें इतना मालूम नहीं? आजकल लड़कियां शक्कर का ख्याल रखती हैं, शक्कर से नहीं, शक्कर इनसे पीती हैं। शक्कर इंसान को मोटा कर देती है, खासकर लड़कियों को। और जब तक ये कॉफी पीती है तुम जाकर की टिकट का बंदोबस्त करो। तुम ये पियो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ, आराम से चली जाना। क्या बात है? मेरा बच्चा बदल गया है। Don't be silly. नहीं, जरूर कोई गलती हुई है। नर्स ऐसा करो, इंतजार मचो, हमारा बेटा वहाँ होगा। नहीं सर, इसके अलावा वहाँ कोई बच्चा नहीं है। क्या क्या पकती हो? जरूर कोई गलती है, मैं अभी जाकर देखे आता हूँ। डिकोस्टा, डिकोस्टा, डिकोस्टा,
ये क्या हरकत है? मेरे बेटे को बदलकर वहां पर एक लड़की रख दी। चांदनी मेरी बीवी दिल की मरी ना। चिल्लाइए मत इंस्पेक्टर कपिल, ये हॉस्पिटल है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं। कहां हो तू दिनेश? इसने जरूर अपनी जान ली होगी। इंस्पेक्टर कपिल, ये अपने बॉयफ्रेंड का लेटर पढ़कर बड़ी परेशान थी। इट इज डेफिनेटली केस ऑफ सुसाइड, मर्डर भी हो सकता है। इंस्पेक्टर कपिल, आप हमेशा शक के बिना पर मुझे मुजरिम ठहराने की कोशिश करते रहते हैं और मैं सच निकलता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। कहाँ है हमारा बेटा? मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। इन अस्पताल वालों ने कुछ उससे कुछ हो गया? नहीं नहीं, तू अब बीमार पड़ गया? नहीं देवी, नहीं नहीं, ले आई अनु से। मुझे बहुत डर लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं देवी? इस सारे अस्पताल में उस बेनाम बच्ची के अलावा और कोई नहीं है। क्या? हाँ, रजिस्टर में भी उन्होंने लिखवा दिया कि हमें बेटी हुई थी। किसने लिख दिया? अस्पताल वालों ने। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं केस कर दूंगा, कष्ट को हथकड़ी पहना दूंगा। लेकिन उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, मैं कानून के जरिए। इन लोगों ने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वादा कीजिए आप मेरे बेटे को वापस लाएंगे, वादा कीजिए। डॉक्टर देखो क्या हो गया। इस बात का क्या सबूत है कि आपकी पत्नी को लड़का ही पैदा हुआ था? इसका सबूत वो नर्स थी जिसने मेरे बेटे की पैदाइश की खबर मुझे दी। अचानक उस नर्स ने खुदकुशी कर ली। मेरा ख्याल है कि उसे मार दिया गया ताकि इस मुकदमे का कोई भी गवाह ना रहे। उस नर्स के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत को दी जा चुकी है मिलोर्ड। ये सरासर झूठ है मिलोर्ड, क्योंकि अस्पताल के चेयरमैन मिस्टर डिकॉसा कुछ भी कर सकते हैं। ये झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी सर। इंस्पेक्टर खन्ना, आपको अपने केस का कोई ना कोई गवाह पेश करना होगा, और इस मुकदमे का फैसला होने तक इस बच्ची को आप अपने पास रखें। नहीं मिलोर्ड, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। इंसाफ के नाम पे तसल्ली नहीं। ऐसी सूरत में अदालत बच्ची को किसी भी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर सकती है जो मुकदमे का फैसला होने तक बच्ची की परवरिश करे। मैं साहब, मैं पालूंगी इसे। ठीक है, अदालत बच्ची की परवरिश के लिए 500 रुपया महाना मुकर्रर करती है, जो इंस्पेक्टर खन्ना अदा करते रहे। बस साहब बस, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और अदालत महात्मा पुलिस को हिदायत करती है कि जेडी हॉस्पिटल की पूरी छानबीन करके रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इंस्पेक्टर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मिस्टर डिकॉस्टर, शायद आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स ने नकली डिग्रीज हासिल करके डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की और मरीजों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। उन नकली डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आप भी हैं। What is this nonsense? तुम उस अस्पताल के मालिक हो जहां नकली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से अच्छे अच्छे डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं। ये झूठ है, गलत है। ये अखबार वाले मुझसे पैसा मांगते हैं और जब मैं उन्हें पैसा नहीं देता तो ये बकवास मेरे खिलाफ छाप देते हैं। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। आप ये साबित नहीं कर सकते। मैं साबित कर सकता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लिसन डिकॉस्टा, इस वक्त आपके ऑफिस में तलाशी ली जा रही है। मिस्टर डिकॉस्टा के मकान का और ऑफिस का एक कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला?
आप जा सकते हैं। You're fine. मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर कपिल आजम खान से मिलने गया है, उससे मदद मांगने के लिए, ताकि वो हमारे खिलाफ सबूत पैदा कर सके। दलाल जूता वाला, आजम खान जेल के अंदर है। खुशामदीद कपिल खन्ना। आजम खान, मगर तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है। हरकत नहीं यार, आदत कहो। इसी आदत को सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ जेल में भेजा है, लेकिन आज मैं एक जरूरी काम था। हुक्म दो यार, जान चाहिए। जान, सबूत। डिकॉस्टा के खिलाफ कोई सबूत हाथ में नहीं आ रहा। तुमने डिकॉस्टा की कई तिजोरियां खोली होंगी। अगर तुम कानून के लिए एक बार खोल दूंगा, जिसके वजह से हमारी भाभी का जान गया, जिसने हमारे भतीजे को तुमसे अलग किया, उसको सबूत के साथ जेल करवा दूंगा। थैंक यू। तुम्हारी इस मदद के लिए सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा भी माफ कर दी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। अगर वो छूट भी गया तो उसे सबूत वाली तिजोरी कभी नहीं मिलेगी। और अगर उसे तिजोरी मिल गई तो? मैं अब तक तो पे अटका हूं, आगे जवाब तो दो। अगर उसे तिजोरी मिल भी गई तो वो उसे खोल नहीं पाएगा। और अगर उसने खोल दिया तो? जिस बात पर मैं तो कर रहा था, कभी वो सचमुच हो गया तो? का खून हो गया है, पुलिस स्टेशन में जाके इल्जाम अपने सर ले लो। 10,000 अभी मिलेंगे और 10,000 सजा काटने के बाद मजा आ गया। अरे बंटो, क्या है? अरे अपनी किस्मत का तारा चमक गया है, ये देख माल आ रहा है माल। होश की बात कर, होश की, दिन भर चढ़ाए रहता है। तेरी कसम जाने मन, सच कह रहा हूँ, ये देख बदले में जेल जाने की ऑफर आई है। दलाल से 20,000 रुपया दे रहा है। लेकिन ये इल्जाम काहे का है? खून का इल्जाम। 20 साल की जेल, 20,000 रुपया। 20 साल की जेल और 20,000 रुपया? इस गुनाह को अपने सर पर लेने के कितने रुपए मिले तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं साहब, रुपए के लिए कोई जेल थोड़ी जाता है। परमात्मा कसम, अपराध मुझसे हुआ है। कैसे? जो जीप की लाइट कम थी, टक्कर हो गई और मैं डर के मारे भाग लिया। नहीं, कोई टक्कर नहीं हुई, बल्कि मेरे दोस्त को जानबूझकर जीप से उड़ाया गया। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ।
नहीं मारूंगा। अरे दोस्त, आजम खान का खून किसने किया? मैंने किया, मैंने बता किसने किया। अब मैं आपको तुम सच कह रहा हूँ, मैंने किया। तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरों का गुनाह अपने सर लेकर तुम गुनाह को और बढ़ा रहे हो। ले जाओ उसे। मत रो बेटा, अगर आजम खान तेरा बाप था तो मेरा भी तो बेटा था। सलाम सलाम सर। मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ। आज से पूछ लो बेटे, मैं तुझे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। आज से तू मेरे साथ रहेगा। नहीं नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। अगर तुम मेरे अब्बा को जेल से निकालकर पुलिस के काम में ना लगाते तो आज जिंदा होते। तुम मेरे अब्बा के दोस्त ही कादिल हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नहीं बेटे, नहीं नहीं, आजम की मौत का मुझे भी अफसोस है। नहीं, ये मेरे अब्बा की खाक है। मैं इस खाक की कसम खाकर बोलता हूँ कि अब्बा की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये मेरा नहीं, सरकारी है। सरकारी? जी हाँ, सरकारी, गैर कानूनी है। इसकी माँ नहीं, इसका बाप नहीं, इसीलिए अदालत ने इसे मेरी गोद में डाल दिया है। और महीने में पालने को पैसा भी देती है। और कुछ पूछना है तो पूछ। अरे मेरे को क्या दाज पड़ी? तो जाना, तेरा मर तेरा नाक फोड़ने का इंतजार है क्या? मेरे को क्या लेना? अरे जाजा राय का नाम। अरे बंतो, क्या मन क्या है? इधर आ। अरे तेरी लॉटरी निकल आई 500 रुपए की। लॉटरी 500 रुपए की? टिकट निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। इधर दे मेरी टिकट, ये ले ये ले। अरे बाहरे लॉटरी खोलने वाले, तूने तो मेरी तकदीर खोल दी राजा। ले 500 रुपए, गिन ले। अभी गिन लेती हूँ। आज लक्ष्मी मेरे घर आई है, इसलिए आज से तेरा नाम लक्ष्मी है। भजन लक्ष्मी हो जा आज प्रसन्न लक्ष्मी, हो जा आज प्रसन्न लक्ष्मी। धन वालों की धन लक्ष्मी और भूखों की अन लक्ष्मी। गाते भगत भजन लक्ष्मी हो जा आज प्रसन्न लक्ष्मी, हो जा आज प्रसन्न लक्ष्मी। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय बोलो जय लक्ष्मी। अरे जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय बोलो जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, अरे जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, अरे जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी, 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 जय लक्ष्मी जय बोलो जय लक्ष्मी। Thank you.
कमीशन की तरह भाई मैं क्या कमीशन चल दबाओ यहाँ से अरे वहाँ चल 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 इतना सारा माल कहाँ ले जाएगा अरे मर जाएगा तो यही रह जाएगा कुछ वजन हल्का कर दे अंधे की झोली भर दे अरे ये तुझे कैसे मालूम मेरे पास पैसा है तू तो अंधी है अरे मन की आंखों से सब दिख रहा है बाबा मुझे ये भी दिख रहा है कि तू इधर भीख दे रहा है और उधर स्वर्ग में तेरा महल बन रहा है देख और कुछ देख नहीं तो महल का काम रुक जाएगा नहीं नहीं ये तो और ले ले लेकिन काम मत होने देना अरे जाता कहाँ है जरा अंधी को रास्ता पार करवा दे बेटा बेटा हाँ बेटा लो कर लो बात इसे मैं बेटा दिखाई दे रहा हूँ आ चल चल मेरे भैया सबसे बड़ा रुपया ये देख क्या आज कुछ लाया है क्या खोल के देख तेरे लिए 10,000 लाया हूँ पूरे सच्ची अरे बाहर मेरे शेर चप्पल वो लड़की अंधी की कारण ये बुढ़ा घर तक पहुँच गया ये वो लड़की अरे लक्ष्मी अरे कहाँ जा रही है इधर आना आना अजी यही है वो लक्ष्मी और बेटी ये तेरे बापू है अच्छा यही वो बाप है जो बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है हाँ बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है लेकिन मुझे क्या मालूम ये सुबह सुबह अपने बाप पर ही हाथ साफ करना पड़ेगा मतलब मैं तू तो क्या कहते हैं कि जेल के बाहर अंधी बनी हुई थी ना मैं कभी भी कुछ भी बन जाती हूँ अपना टाइम देख कर टाइम टेबल हाँ सुबह अंधी दोपहर लंगड़ी शाम को लड़की रात को बुड्ढी एक बात मुझे बता दे पूछी तूने मेरी बगल में से रुपए निकाल के चप्पल कैसे रख दी उठी ले खड़े हो गए कुछ नहीं वेरी सिंपल ये आपका माल ये मेरा चप्पल जरा सा धक्का बाबा रास्ता पार करवा दे क्या हुआ है क्या क्या देखो ना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ना जरा खोल के देखिए देखिए ना देख लेते हैं चप्पल हाँ चप्पल
मेरे चप्पल आपके पास और आपका माल मेरे पास। खैर कोई बात नहीं, घर का माल घर के अंदर और मेरा चप्पल मेरे पैर के अंदर। वाकई भगवान कसम, बेटी को एकदम अपने जैसा धांसू बना दिया। अरे और नहीं तो क्या करती, इसका बाप इसे अब भी बेटी मानने को राजी नहीं है। 500 रुपए जो कोरट से मिलते हैं उसमें क्या पूरा पड़ता है। एजी जी, कल तारीख है कोरट की, एक काम करो ना, कोरट को बोल दो ना कम से कम 1000 रुपए बढ़वा दे। बस ठीक है ठीक है। मैं भी कैसी बदनसीब औलाद हूँ, बाप होकर भी बाप का प्यार नसीब नहीं है। कमिश्नर साहब, आपको तो मालूम है बचपन से लेकर आज तक मैं पराए लोगों के घर में पलती रही, अपनी असली माता पिता के प्यार को तरसती रही। माँ का तो पता नहीं वो कौन थी कैसे थी, एक बाप का तो पता चला मगर वो भी मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों के घर में पड़ी रहूंगी, अपनों के होते हुए गैरों के टुकड़े खाती रहूंगी? क्या मुझे अपने बाप का प्यार कभी नसीब नहीं होगा? देखो लक्ष्मी, तुम चाहो तो मेरे घर आकर रह सकती हो, जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मगर क्यों? इसलिए कि जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया उस दिन ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और मुझे अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा। तुम ये केस वापस ले लो, सिर्फ जज्बातों और अटल विश्वासों पर मुकदमों में फैसले नहीं होते। हो सकता है तुम्हारा बेटा नौसा। मेरा बेटा जिंदा है, मैं मानता हूं कि कानून मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलवा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जहां भी हो एक ना एक दिन मुझसे जरूर मिलेगा। Thank you.
मर गो ऐ जानी जान कब मिलता है कोई यहाँ जरा सी देरी सही हसी ना पास कोई और सुबह को छह बजे जाना जाना पागल है मुझे भी जबरदस्ती डांस करने के लिए ले आए तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो आप इसको अपना पेशा क्यों नहीं बना लेते हाँ, क्यों नहीं आप लोगों का मतलब है मैं डांस को अपना पेशा बना लूं बिल्कुल नहीं सर इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत पसीना बहाना पड़ता है और मुझे पसीना बहाए बगैर पैसा कमाने की आदत है हाय ओम हाय किमी डार्लिंग हाउ आर यू ओम तुमने तो कहा था हमारे पासपोर्ट बनवा के शो के लिए लंदन ले जाओगे तुम्हें लंदन जाना ना डार्लिंग कौन सी बड़ी बात है तुम तो जानती हो कि मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर है रियली यू ऑल डोंट नो अरे कमाल की बात है अरे खप्पा लगाने की तुम्हारा काम हुआ नहीं आज रात को कहां मिल रहे हो कल रात को होटल में मिलता हूं ना मेरा मतलब है कल सवेरे मिलता हूं ना ओके बाय सी यू बाय जूते वाले की बेटी हो ना तो कमिश्नर पुलिस के बेटे कब से बन गए समझा करो डार्लिंग कुछ खूबसूरत लड़कियां हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ चक्कर चला रहा हूँ अच्छा वहाँ तेरी मेरी शादी की बातें चल रही है और तुम यहाँ लड़कियों को चक्कर दे रहे हो समझा करो डार्लिंग शादी की बातें चल रही है ना शादी हुई तो नहीं ना एक बार शादी हो जाए तो इन चक्करों से बाहर निकल आऊंगा किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं अरे हिपोक्रेट अरे रीटा डार्लिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जायदाद के लिए मुझसे झूठी मोहब्बत कर रहा है
और जूता वाला अपने बेटे की तुम्हारे साथ शादी करके हमारे को कैश करना मांगता है। बोलो तो उसे रास्ते लगा दो। ओह शट अप, तुमको मरने मारने की कुछ नहीं। आई कैन डू इट डैड। ओह लीव मी अलोन। देखो बेटी, तुम एक काम करो बेटी, वो जो ओम है उसके साथ तुम अपना ड्रामा चालू रखो, उसे बिल्कुल शक नहीं होना मांगता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो हमने तुम्हारे नाम से बनाया है, वो साला जूता वाला उसमें अपना जूता का फैक्ट्री खोलेगा। सब कुछ साफ हो गया। अरे साफ साफ कहिए ना, क्या साफ हो गया? अरे क्या खाक बताऊं? अपने ये घर साला किराए का, ये फर्नीचर ये किराए का, ये पंखा ये किराए का, वो टेलीविजन वो किराए का, ये कारपेट नहीं ये चोरी का है, तू किराए का, तेरी माँ वो किराए की। क्या कहा? अरे यार तुम चुप बैठो ना, तुम कहा जूते की तरह बीच में घुसी चली आ रही हो? इसमें चिंता करने की क्या बात है बताइए। देखिए वो अपनी पुरानी वाली फैक्ट्री थी ना जिसमें आग लग गई थी, आपने इंश्योरेंस क्लेम भी तो करवाया था, पैसे तो मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? वो इंश्योरेंस वाले समझते आग मैंने लगाई थी, वो जब मैं आग लगाता तो उनको पता नहीं चलता, जब नहीं लगाता तो वो मेरे ऊपर शक करते हैं, वो पैसे नहीं मिलने वाले। हाँ कोई जहेज का चक्कर चल जाता तो सारा मामला फिट हो जाता था यार। अरे आप डैडी बिल्कुल बिंदास रही है, दो चार लड़कियां मुझ पे बहुत बुरी तरह से फिदा थी, मैंने चक्कर चलाया, एक आध तो अपने बाप को लेके आ रही होगी। जूते वाला सेठ जी, अजी हम लोग आ गए। अजी वेलकम वेलकम, हम चिन्ने आपका मल्ला आपका सेठ जी, हमारा रेडीमेड कपड़े का फैक्ट्री है जी। आइए आइए बैठिए, थालियां रख दीजिए बेटी अंदर। हाँ बोलिए। हमारा छोकरी तुम्हारे छोकरे का फोटो लेके तके के नीचे रख के सोता है जी, और उसका एक बड़ा फोटो बनाकर ओढ़ कर सोता है जी, और छोटा फोटो लेके चाय में डुबो के बिस्किट की तरह खाता है जी। माय डार्लिंग, तो जल्दी से शादी पक्का कर दो ना। वो तो सब बराबर है लेकिन इसका क्या होगा? किसका? अंगूठा मत पकड़ो, 5 लाख रुपया जहेज का, 2.5 लाख रुपया एडवांस। नहीं भारी पड़ता तो जाने दो, 6 लाख की पार्टी ना के पे खड़ी है। हाथ में लाया जी। हाँ जी लाया, लाया जी, लाया लाया जी। उधर क्या को रखा, हाथ में तो नहीं ला। देखा बेटे? देखा डैडी। इसको कहते हैं दीपक दलाल जूते वाला, और इसे कहते हैं ओम नारायण फीते वाला। कैसे माल अंदर कर लिया? एक पार्टी और भी आ रही है। संदीप जी देखिए, अभी आप शादी पक्की कर दीजिए। ओम मैडम, लड़की पसंद है तो निकालिए जहेज के 2.5 लाख रुपए एडवांस। उठाओ वही 2.5 लाख रुपया। डैडी ये दो दो एडवांस तो ले लिया, मगर दो दो शादी कैसे करूंगा? वो तो क्या तू एक भी नहीं करेगा? हाँ वो कैसे? अरे यार हम लोगों को शादी नहीं करना, शादी का धंधा करना है। मगर एडवांस जो लिया उसका क्या होगा? लौटा देंगे ना वापस। वो कैसे? अरे तेरे दिमाग को क्या कीड़े पड़ गए उसमें क्या? बे हम लोगों से असली नोट लिए ना तो असली नोट ले लेंगे, नकली नोट लौटा देंगे, हुआ कि नहीं धंधा? वाह बड़ी क्या बोलता है, हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं होगी। इसकी शादी तो पहले बाटली से हो चुकी है, देखिए ना, मैंने इसको समझाया कि देखो इनकी लड़की कम बदसूरत है। हाँ? इसके बाप की समाज में कम बेइज्जती है। हाँ? ये लोग कम बेईमान है, मगर मानते नहीं, देखिए मैं क्या करूँ। कम बेईमान? नहीं नहीं, मैं हर बात को उल्टा बोलकर उसमें कम लगा देता हूँ। जैसे आपकी लड़की खूबसूरत है तो मैं कहूँगा ये कम बदसूरत है, अगर मैं खुश हुआ तो मैं कहूंगा मैं कम नाराज हुआ। अब जैसे ये बहुत शराब पीता है मगर मैं कहता हूँ ये कम होश में है, वैसे ही कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है। जैसे मेरा बाप कम चुप रहता है। बड़े हमने जो दहेज का 2.5 लाख रुपया दिया वो किधर है? कम हमारे पास नहीं है। इन्हें तुम जहेज का पैसा हमको वापस क्यों करता जी? ये देखिए मेरा बाप शराबी, शराबी कल रात को सोने के बाद जो शराब पीनी शुरू की तो आज सवेरे उठने से पहले तक पी रहे थे। शेमलेस फादर। फुल डे ऑल्सो शराबी। तुम्हारा तकदीर में खराबी, तुम्हारा ससुरा शराबी। तो आप अपने नोट नापिए। हाँ नापता है, तुम अपना रास्ता नापो जी। रास्ता नापता है? रास्ता नापने का है ना, दो ऐसा नापते रास्ता। लड़का भी तुमने मेरे अस्पताल से चुराया, और उसकी शादी भी अब तुम मेरी बेटी से करोगे, और उसके बाद दहेज भी मुझी से मांगोगे? नहीं नहीं, दहेज मैं इतना कमीना नहीं। तो फिर कितना कमीना है? उससे भी ज्यादा कमीना। अरे यार मैं और तेरे से दहेज मांगू, लानत है मेरी जिंदगी पे। तू क्या सारा, तू मेरे को समझता क्या यार? और फिर मेरे को दहेज मांगने की जरूरत भी क्या, तू कुछ शर्मा के मेरे को दे देगा? मेरे को तेरा पूरा अस्पताल नहीं चाहिए, आधा भी देगा तो चलेगा। ए इसका नंबर क्या है? कमश कान खोल कर सुनो। वो खुले हुए हैं। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो उससे हरगिज शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर डिकॉस्टा, तुम मेरे कम दुश्मन हो, इसलिए कम दुश्मनी का लिहाज रखते हुए तुम्हें एक छोटी सी राय देता हूँ।
कि टमाटर और लड़की को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टमाटर खाने के लायक नहीं रहता और लड़की शादी के लायक नहीं रहती है। क्या मतलब है साहब साहब का? साफ और माफ तो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, मगर एक बात बता दूं कि तुम और मैं अलग नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम अगर डिक कॉस्टा हो तो मैं दलाल जूते वाला हूँ, तुम अगर दुनिया का सवाल हो मैं उस सवाल का जवाब हूँ। यस बिरजू, एक काम करना है। एक लड़की है डिक कॉस्टा की बेटी रीटा, उसको सबक सिखाना है। और लड़की को सबक कैसे सिखाया जाता है तुम जानते हो ना? घबराओ मत रानी, अरे हम तो तुम्हारे आशिक हैं। तुम मेरे आशिक नहीं, तुम मेरे गुलाम हो। गुलाम? गुलाम। गुलाम नहीं रानी, हम तो तुम्हारे बादशाह हैं। बादशाह? और बादशाह के ऊपर इक्का होता है। कौन है? बाहर निकल। ये से इक्का और ये से अकबर खान। अभी आता हूं मेरी जान। क्यों जोकर के औलाद, ताश तो तूने बहुत खेली होगी, ताश का यह नया खेल आज तुझे ये अकबर खान सिखाएगा। ले ये रख। सिगरेट आने दे। क्यों प्रेम करेगा? और भी प्रेम करेगा? अभी भी प्रेम करेगा साला? जनाब प्रेम नहीं, 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 नहीं। तो चाबी और कमाल देखना है। दो दो। Fantastic! Nobody can believe it. अच्छा? खुदा। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कमाल कर दिया, इन खतरनाक गुंडों की पिटाई करके मेरी इज्जत बचाई। चलो मैं अपने डैडी से इनाम दिलाती हूँ। अकबर खान किसी की नौकरी और किसी के इनाम का गुलाम नहीं, वो दो वक्त की रोटी अपने हाथ से कमाता है और चैन की नींद सोता है। मौत का उसे कोई डर नहीं, क्योंकि ना उसका कोई आगे है ना पीछे। लेकिन इनाम लेने में क्या बुराई है? और फिर तुम जैसे बहादुर नौजवान को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। अगर इनाम के लालच में सिर्फ अमीर लड़कियों की इज्जत बचाई गई तो गरीबों की इज्जत कौन बचाएगा?
अगर मैं अमीर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम हमें लड़कियाँ जो इस तरह के कपड़े पहनती हो। इस तरह की? किस तरह की? इस तरह के कपड़े देखकर तो मैं भी शट अप। अब छोड़ो भी, मेरे साथ घर चलो। जब अकबर का दिल आएगा तब आएगा। आप चलिए। ये लो, किसी भी पत्ते पर अपना पता लिख दो। इंतजार करूंगी। और से रीठा और आर से रानी। किधर है? बाहर निकल। आदम खान। अरे तू बोलता है मुर्गा एलेक जिंदा एलेक कौन है? क्या रू है? मुर्दे को जिंदा देखकर जिंदा को मुर्दा समझ बैठे। हम यहाँ तुम दोनों से ये पूछने आया है कि हमारा मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो इंसान जिसने हमारा कत्ल किया था? तो तुम मुर्दा नहीं है और तुम जिंदा है और जिंदा लोग का कातिल नहीं हो सकता है। क्यों जूता वाला? तुम बहुत होशियार हो। कौन है बदतमीज? मैं बताती हूँ दादी, यही है वो आदमी जिन्होंने मेरी इज्जत और जान बचाई थी। मैंने ही इन्हें घर बुलाया है। यार तुमने तो हमको डरा ही दिया था। हम लोग वैसे डरे नहीं, हम लोग भी बहुत बहादुर है, मगर तुम्हारी बहादुरी से हम कम नाराज हैं। बरखुरदार तुम वाकई बहादुर हो। तुम हमसे मांगो जो मांगना है वो देखो हमारी तिजोरी, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अकबर खान कभी अपना इनाम नहीं मांगता है, खुद ब खुद ले लेता है, क्योंकि मांगने वाले को वो भिखारी समझता है। तुम्हारी ये तिजोरी कैसे खुलती है? ये अकबर खान को मालूम है। खाली अकबर खान वल्द आजम खान का कमाल देखो मेरी जान। तेरे बाप की तिजोरी खोल दूं? खोल दे। लेकिन सनी एक बात बताओ, इस तरह से तिजोरी खोलने का राज या तो मैं जानता हूँ या तुम्हारा बाप आजम खान जानता था। ये तुमने कहाँ से सीखा? पैदा इसे मालूम है डिकास्टर। हाँ? इस जिसे मैं खून बाप का है, शकल बाप का है, तो अकल भी बाप का ही होगा। हाँ, तुमको अकल शकल खून सब बाप का मिला, मगर दुख इस बात का है कि बाप ही नहीं मिला। उस बेचारे का कितनी बेदर्दी से कत्ल हो गया और बदमाश कातिल जेल में पड़ा हुआ है। कहाँ है वो? मेरे क्या मालूम। क्या नाम है उसका? मैं तुमको एक शर्त उसका नाम बताऊंगा कि तुम मेरा नाम किसी को नहीं बताना। बताओ। उसका नाम है नथुलाल। नथुलाल! निकल बाहर! तू मौत से छुप सकता है लेकिन अकबर खान से नहीं। जो सजा तू काट आया है वो काफी नहीं। अरे कानून तुझे क्या सजा देगा? अब हम तुम्हें सजा देगा।
जिसके बाप का तूने खून किया है उसका बेटा अकबर खान तुझे सजा देने आया है। निकल बाहर सारा। अरे बाप रे, ये घोड़ा तो बड़ी तेजी में है, चलो। नहीं। मैंने तुम्हारे बाप का खून नहीं किया, मैं तुम्हारे बाप को जानता भी नहीं। मैं खून नहीं किया तो जेल क्यों गया था? पैसे के लिए, खून का हिसाब अपने सर पे लेने के लिए मुझे पैसे मिले थे। वो क्या नाम है उसका? नहीं बता सकता। तो उसके हिस्से की सजा पाने को तैयार हो जा। अगर ये बताएगा तो भी तुम नहीं मानोगे। ये खत पढ़ लो, पढ़ लो खुद ही। ये देखो उसी का खत है, सारे भी पढ़ लो, पढ़ लो भैया। आजम खान का खून हो गया है, पुलिस के पास जाकर इल्जाम अपने सर पर ले लो। 10,000 अब मिलेंगे और 10,000 सजा काटने के बाद दलाल। या मालिक, कितना बेईमान लोग है इस दुनिया में। इंसान से जिंदगी छीनकर बेकसूर को जेल करवाता है। तुम लोग पैसे के गुलाम बन गए हो। गरीबी से घबराता है तुम लोग, डरता है तुम लोग, दौलत के पाँव में सर रख देता है तुम लोग। मगर मैं उसका सर काट के तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। सिर्फ उसका सर नहीं, उसकी औलाद का भी। पुलिस को कुछ बताया? तेरा घर देख चुका हूं, पठान फिर आएगा। इधर आओ। ये गंगानगर है, यहाँ कोई आया था? कोई घपला हुआ था? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? गुंगे हो? गुंगे हो? तुमने तो कहा था गंगानगर में घपला हुआ था। ये गंगानगर है, गंगानगर। दिखाओ भाई कोई अच्छी सी महंगी सी घड़ी। ये देखिए। क्या ये घड़ी? ये घड़ी है, मुझे टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए, खाना खाने को प्लेट नहीं चाहिए। अरे हाथ की घड़ी देखो, पूरी कश्ती उठा ला है। ये देखिए। क्या कीमत है इसकी? 50,000 सिर्फ। तुम घड़ी बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो? मुझे टाइम देखना, रहना थोड़ी उसके अंदर। ठीक है, दे दो भाई। दे दो भाई। ये घड़ी के पैसे वसूल करने की और काटना पड़ेगा मालूम है? क्या बात कर रहे। कार लेते हैं, जिसमें लगता है जैसे शिकार पे जा रहे हैं। चलना यार। अरे कौन है भाई? तेरे को देख मैंने को। अरे मैंने तो मारा था ये फोकट लगाई पे जा रही। बेचारी बेहोशी की आलम में बड़बड़ा रही है। उठा के अस्पताल लेके चलो, नहीं तो लोग मार मार के हमको अस्पताल पहुंचा देंगे। लड़की ब्यूटीफुल है, इसका इलाज घर में करें। आप का मालिक लाइक उठा 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 है नगीना। बापू मैं तो कहता हूँ इसे अपनी बहू बना लो। इसका चेहरा तो बिजली की तरह चमक रहा है, घर में लटका दो, बिजली का बिल नहीं आएगा। पहले मेरी सुन। हाँ। अपना जो धंधा है ना वो बेटर है। समझ तू रोज लड़कियां पटा के ला, उनके माँ बाप को मेरे पास लेकर आ। मैं उनसे जहेज का 2.5 लाख रुपए वसूल किया करूंगा, बाद में शादी कैंसिल, उनको नकली नोट थमा देंगे और असली नोट ले लिया। अपना धंधा है, समझ गया? आगे अस्पताल आ, गाड़ी रोक। कौन सा? वो अरे अरे ये तो उड़ गई, ये तो आवाज कर रही है। इसको अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो लगता होश में आ गई। अरे नहीं नहीं, इसको घर ले चलते। बकवास किया तूने? क्या दिखती है करण भाई? चिकन टंगड़ी, चिकन कबाब भाई। अरे क्या हुआ? ये तेरा पांव टेढ़ा कैसे हो गया? आपने जोर से गाड़ी चला दी। तेरा पांव टूट गया। रे बड़ा दुख, जा कर जा। ऐसा थोड़ी होता है पैसा जी, बहुत सियानी है। ये ले जा, ऐश कर जा। एक रुपए से थोड़ी होता है। तो कितना चाहिए? 5 रुपया?
500 रुपया खुद 3 दिन से खाना नहीं खा, तेरे को 500 रुपए कहां से देंगे? क्या कर दिया? क्या पैसे नहीं देंगे तो पब्लिक से लड़ाई करवाएगी, ब्लैकमेल करती है? कहां से मिल गई सुबह सुबह यार? कोकोनट ऑयल क्या गलत है यार? ये पैसे भी ले ले, मेरी तरफ से तोहफा। ये बैग तो छोड़ के जा। सुन, तू हमारी बात सुन तो नहीं रही थी ना? तू गुंगी है, भैरी है? अरे रे रे, जा जा, ये बहुत सारी है। डैड, ये लड़की ना तो गुंगी है ना भैरी। क्या बात करता है, बेचारी कितनी गरीब सीधी सादी लड़की थी। हाँ, गरीब और सीधी सादी तो ठीक है, लेकिन गुंगी और बहरी नहीं। क्यों? अगर ये लड़की गुंगी और बहरी होती तो आपके सवालों पर हाँ और ना कैसे कहती? इसका मतलब कि गुंगी बहरी नहीं है। अरे हाँ, ये दलाल जूते वाले को जाने लीजिए ना डैड, अपनी 2.5 लाख की पार्टी वेट कर रही है ना। कितने बजे आने वाली है? 2:30 बजे। घड़ी भी गई डैड। ये देखो, अरे इसमें तो म्यूजिक भी बन रहा है। ये देखो 1000 रुपए। 1000 रुपए? लगता है आज कोई मोटा बकरा फंसा था। बकरा नहीं, बकरे, और वो भी दो साले महा फांदेबाज। लाख फांदेबाज मरे होंगे तो वो दोनों पैदा हुए होंगे। अरे तेल लेने गए, पहले तो खाना खा ले। मैं खाना लगाती हूँ। खाना बाद में, पहले ये बताओ मेरा बाप जैसा बाप कहाँ है? अरे क्या बताऊँ, मेरा बाप पहले तो शराबी था ही, पर जब से पैसा आ गया है एकदम ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन तो पहले से ही था। था तो सही, पर पहले तो सिर्फ शराब पीता था, पर आजकल तो कोठे पे जाने लगा है गाना सुनने के लिए। अभी भी वही गया होगा चमेली भाई के पास, जाने रार कब भरेगी। चमेली भाई? तू तू यहाँ कैसे आ गई? यहाँ कैसे आई? खुद पे शर्म करो। मुँह में नकली दांत और सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता पाँव से। क्या क्या सुनाई तो देता नहीं है और यहाँ के गाना सुन रही हूँ। यहाँ क्यों आई? काम कहाँ करने पड़ी है? अरे चल यहाँ से। अरे बेशरम बेहया, ये तेरे बाप जैसा है और तू बाप के सामने कुल्ले मटका रही है। बाप हो या दादा, ये मेरा धंधा है। जो मेरे सामने पैसा फेंकते हैं मैं उनके सामने डांस करती हूँ। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं मारना भी नहीं आता। हराम जादी, मेरी माँ बाप को गाली। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे बेटी, तूने क्या कर डाला? कल इसे पार्टी में नाचना है, हम एडवांस भी ले चुके हैं, अब कैसे नाचेगी? सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी। अगर कल तक 5000 रुपए नहीं मिले तो मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? क्यों माँ जी, पार्टी में इसका नाचना जरूरी है, और कोई नहीं जा सकता। और कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। क्या? हाँ माँ जी, आपके इलाज के लिए मैं नाचूंगी। कितना बंडल हंस रहे हैं लोग, बड़े भयानक लोग, कौन है लोग? अरे ये बहुत बड़े स्मगलर्स हैं, हिंदुस्तान के नामचीन स्मगलर्स हैं, जानते हो? आज की पार्टी में हमें नहीं बुलाया। अरे ये पार्टी हम जैसे अमीरों की है, तुम जैसे फुटपाथियों की नहीं। वो नाचने वाली माशूका हमारी है, आज की रात वो हमारे साथ बिताएगी। ये तो तुम्हें कल सुबह मालूम पड़ेगा है। अच्छा बिजली है, ऑटो में अंगारी है, बालों में बादल है, तेरी आंखों में तारे है। हमारा
अरे आना ठीक से पकड़। मेरी अंगूठी है। प्लीज नहीं स्मगलर्स। ड्राइवर ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? चल नीचे उतर चल। अरे हो टोनी डिकोस्टा, इस लड़की को हासिल करने की हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे और तू इसे कहां ले जा रहा है? इस लड़की को अपुन ने उठाया है और अपुन का नाम टोनी डिकोस्टा है। ये देखो फिर भी हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं। मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। अरे जाती कहाँ, इधर आ। लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कितने अच्छे हैं आप। अपुन का नाम टोनी डिकोस्टा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं इसी को गोली मार दूंगा, समझे? हट जा। मेरे को क्या देखती है, फोकट की मिल गई इसलिए ज्यादा बिगड़ गया। चल तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे साथ चलने वाले? न जान न पहचान। अच्छा न जान न पहचान। एक तो तूने मेरे बाप की घड़ी चुराई, ऊपर से मैंने तेरी जान भी बचाई। देखो अगर घड़ी और पैसे की बात थी तो मैं पुलिस में जाकर तेरा छोड़ दूंगी। हाँ। अच्छा चल तू चिकनी दिखती है इसलिए तेरे को छोड़ दिया, लेकिन देख मैंने तेरी जान बचाई बचाई, मैंने तेरी इज्जत भी बचाई बचाई। अरे उसके बदले में कुछ तो अदा कर। तुमको हीरो बनने का शौक है इसलिए उन गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। देखो तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगी, इसमें से थोड़ा सा उस डांसर की माँ को दूंगी, सब कुछ। अच्छा चल रुपया भी अदा मत कर, एक पप्पी देना। पप्पी पप्पी ठीक है, इधर थोड़ी आगे दे। अच्छा तो बेवड़ा पीकर भी होश में, इसी को कहते हैं कि येड़ा बनकर पेड़ा खाना।
ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ, और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। क्यों, खाना पकाना क्या? चुप, खाना पकाने के लिए नहीं, इज्जत पकाने, ठीक, इज्जत बचाने के लिए। याद रखना, तूने मेरी आंखों में मिर्ची की फुक्की डाली है, मैं तेरी आंखों में गरम मसाला डाल दूंगा। सर, आज एक आदमी ने नथुराल को जान से मार डालने की कोशिश की और हमारे पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। उस आदमी का नाम अकबर खान बताया जाता है सर। हाँ? अकबर खान, आप उसे जानते हैं सर? उसे क्या, मैं तो उसके बाप को भी जानता हूँ। अकबर खान अभी तक अपने बाप की मौत को भुला नहीं पाया, कई सालों बाद इस शहर में आया है वो। हमने चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा दिया है, रात तक तो जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर, पुलिस का जाल हटा दो और उसे आजादी से घूमने दो, ये मेरा आजादी है। अपने बाप की मौत का बदला जो सिर्फ हम ले सकता है, और ये बदले की आग इतनी खतरनाक है रीता, इसमें हम तो जली जाएगा, उसके साथ तुम भी राख हो जाओगी। आग कैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ राख होने को तैयार हूँ। नहीं रीता, हम तो एक जिंदा लाश है, हमको अपनाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि जिंदा इंसान मुर्दों से रिश्ता नहीं जोड़ते। तुम मुझे भले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी के करीब समझूंगी, और ये हक तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकते। एक मामले में तो हम और तुम बराबर हैं, तुम भी अपनी जिद में पक्की हो, हम भी अपनी धुन में पक्का है। अलविदा। लात भी मारता है, कौन है तू? पहचाना मुझे? आपको कौन नहीं पहचानता, अपने बाप के उस दोस्त को कैसे भूल सकता हूं जिसकी वजह से मेरे बाप की जिंदगी खत्म हो गई। ना तुम मुझे भूले हो, ना मैं तुम्हें भूला हूं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गुमराह होने से बचाऊंगा। तुम्हारे हम अपने बाप की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा। ना हमको तुम रोक सकता है, ना तुम्हारा कानून। क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए यही बेहतर है कि तुम कानून की चार दीवारी में कैद रहो, ताकि तुमसे कोई जुर्म ना हो सके। यू आर अंडर अरेस्ट। कोशिश करके देख लो कमिश्नर, हम अपने जुर्म का पक्का है, हमको मौत के सिवा कोई नहीं रोक। हाँ, कमिश्नर साहब, आपके हाथ से पिस्तौल है, वरना मैं हवा में उड़ जाता। ये लो। मेरे बाप के बदले के बीच में जो भी आया, मैं उसे जान से भी मार सकता। लेकिन चाबी तो मेरे पास ही है ना इंस्पेक्टर? यस सर। Thank you.
साल दो साल के बाद तो बाहर आ ही जाऊंगा कमिश्नर साहब, तब तक तुम्हारे सर से बदले का भूत उतर चुका होगा। बाय बाय, ले जाओ। चल रहा है पोलिस के टाइम कसल पोटी कर दो। फ्लाइंग रानी, मैं अभी आया। मैं तो अंधा और रोशनी की तलाश में हूँ, लेकिन क्या तुमको भी दिखाई नहीं देता माची? लेकिन तुम अंधे कब से हुए? कल से। कल से? वो कैसे? क्या बताऊं बेटी? कल मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैंने उसकी जान बचाई, उसकी इज्जत भी बचाई, लेकिन उसने मेरी आंखों में मिर्ची की भूखी की कालीन बिछाई। कोई लड़की तो नहीं? शुक्रिया अदा करने के बजाय वो मेरी आंखें फोड़ गई। मैं भागा भागा डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तुम्हारी आंखों के लाइट के बल्ब का फ्यूज उड़ चुका है। ओह सर, क्या देखिए। ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब मैं किसी खूबसूरत लेडी डॉक्टर की तलाश में हूँ। अगर आपकी नजर में कोई हो तो खाला। खाला? मौसी। मौसी? नीचे नहीं, ऊपर। अरे मेरे ऊपर नहीं, पीछे। जल्दी जल्दी। आइए। मेरी आपको फोन नहीं मिला? नहीं तो क्या हुआ? क्या बात कर रही है? वो मेरी इज्जत लूटने के चक्कर में पड़ा है। भारतीय नारी की इज्जत पर हमला हुई। मैं अपने अंधे पति को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। अंधा पति? क्या आपका पति भी अंधा है देवी? अंधे के बच्चे, तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। एक अंधे पति के बीवी पर बलात्कार? नहीं, आप में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए। आप पहले उनको पकड़िए, मैं पुलिस स्टेशन पहुँच कर आपका इंतजार करती हूँ। हाँ, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। आप आगे चलिए, मैं पीछे जाता हूँ। क्या करता है? चोरी करता है, इधर लूटता है, बलात्कार करता है, क्या क्या करता है? अरे वो लड़की अपन की मोटरसाइकिल के बाद बातचीत बंद, बाकी सब अदालत में। बैठो अंदर, पुलिस स्टेशन चलो। कितनी दूर है? 20 मील। 20 मील? अंदर पीछे करो। अरे अरे इधर। तुम बड़ी बदमाश हो बेटी। कभी माँ बोलता है, कभी चाची बोलता है, कभी बेटी बोलता है। अरे मैं माँ चाची बेटी नहीं। अच्छा तो क्या तुम जवान हो? अरे सीधे बैठो। तो ज्यादा हाथ चला के मत करो। कहीं तुम वही मिर्ची की भुक्की वाली तो नहीं? तुम्हारी आंखों में मसाला डाल दूंगा मैं। क्या सही जगह पे गिरा हूँ? अरे तुम तो एकदम फुलंदे भी लग रही हो। तुम देख सकते हो? नहीं, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं बिल्कुल ही बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार में मुझे अपना पति बना ले रे। लड़के पटाते हो तुम लड़का लोग।
जमला भाई जमला प्यार का ये रोग, भाई जमला प्यार का ये रोग, दिल में तुम्हारे तो है चार गुना प्यार, ऊपर से ना ना करो तुम लड़की लो, नाको बाबा नाको बाबा प्यार का ये रोग, भाई जमला प्यार का ये रोग। जमला भाई जमला प्यार का ये रोग, नको बाबा नको बाबा प्यार का ये रोग, भाई जमला प्यार का ये रोग, नको बाबा नको बाबा प्यार का ये रोग, भाई जमला प्यार का ये रोग। समझा तू आज मुझे, आज है लाज मुझे।
मुझे जइयो ना, जइयो ना सैया जइयो ना, छोड़ के अब मुझे जइयो ना, कहियो ना इनसे कहियो ना, ऑर्डर भर के एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। लड़के लोग ये जूते की एड़ी में ऐसी माल भरो और डब्बे में भरो। जाओ जूता वाला, लो ये शराब पियो। बोलो किसके लिए काम कर रहे थे? पुलिस वालों के लिए। अबे चुप, ये माल कहाँ ले जा रहे थे? तुम्हारे घर। इंस्पेक्टर। यस सर। वो पूरा पैकेज इसे खिला दो। ओके सर। नहीं सर, नहीं सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा। बोलो। पहले बॉस का नाम बताया तो मेरी माँ और बहन को मार डालेंगे साहब। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जान बचाना हमारा फर्ज है। आप मेरी माँ और बहन को यहाँ ले आइए साहब, तो मैं बॉस का नाम बताता हूँ साहब। ठीक है, मैं खुद जाकर तुम्हारे घर वालों को हिफाजत से लेकर आऊंगा। क्या है? सर, आपका टेलीफोन। अच्छा। यस कमिश्नर खन्ना यार। सुनिए कमिश्नर खन्ना, हमारे आदमी को छोड़ दो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे खतरों से डरना तो मैंने उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैंने खाकी वर्दी पहनी थी। चाबी लाओ। लेकिन सर मैं अपने खतरों में दूसरों को शामिल नहीं करता। बट सर आप। थैंक यू। अब कमिश्नर नहीं बचेगा। चलो बॉस को फोन करें। चलो। क्या बोला? कमिश्नर की गाड़ी में क्या है? हाँ? श्रीनगर कहाँ है? थोड़ा आगे जाके बाहें मुड़ जाएंगे। वाह, थैंक यू। ओके। जो बात आपको कहनी है वो आप बाद में कहिएगा, लेकिन जो बात मुझे कहनी थी वो हो चुकी है। इस बम के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये है दोनों मुजरिम सर जिन्होंने आपके कार के नीचे बम लगाया, और ये है इनका साथी जिसने पैसे दिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इन्होंने मुझे बताया सर। और आपने इनकी बात पर यकीन कर लिया? सर अगर इसने मेरी गाड़ी में बम लगाया तो इसी ने मेरी जान क्यों बचाई? सॉरी सर। और मसूरदार, थैंक यू वेरी मच, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। माइक, यू नो वन थिंग, पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम जैसे
स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट बहादुर लोगों की बहुत जरूरत है। नहीं 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 सर, कोई जरूरत नहीं है सर। वो क्या है सर कि अगर आप जैसा कड़क पुलिस कमिश्नर ऑफिसर अगर अपुन का ऑफिसर बन जाए तो अपुन की दाल नहीं गलेगी। क्या मतलब? वो क्या है सर, अपुन को थोड़ा इधर उधर माल खाने का आदत है। हाँ। और आखिर पुलिस की पगार में क्या रखेला है, एक तारीख को पगार मिलता है, दो तारीख को खलास हो जाता है। क्यों शर्मा साहब? और दूसरा बात मतलब क्या है कि आप तो खाएंगे नहीं। हाँ? हाँ? और अपुन को खाने देंगे नहीं तो अपुन तो भूखे मर जाएंगे ना। क्यों शर्मा साहब? चला साहब। देखा साहब, छोकरा कितना सच बोलता है। शराब है। क्या हुआ इसे? इसने खुदकुशी कर ली। कहता था अपनी माँ और बहन को बचाने का यही एक तरीका है। हे लक्ष्मी माँ, आज मैं आपसे शपथ लेती हूँ कि मैं एक घरेलू नारी बनकर जीवन बिताऊंगी। ये बुरे धंधे आज से छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्योंकि आपके नारायण की तरह मुझे भी एक ओम नारायण मिल गया है। अब मैं एक बड़े घर की बहू बनकर सुख से रहूंगी। मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, इसलिए आप माँ बनकर। आप माँ बनकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय लक्ष्मी माँ। माँ जी, आपका मंगलसूत्र नीचे गिर गया था। माँ जी धन्यवाद बेटी। जीती रहो। अरे क्या बेटी बेटी, ये बेटी नहीं ये चोर है। ये तुम्हारा मंगलसूत्र वापस करके तुम्हारे सारे गहने चुराना चाहती है। मेरे आदमी, ये मेरी घड़ी चुराई थी जो आज तक नहीं मिली है, इसे तो पुलिस का पता लगाना चाहिए। चल क्या हो रहा है? ये मेरी बीवी का मंगलसूत्र चुराया, उधर मेरी घड़ी चुराई थी जो आज तक नहीं मिली है। पुलिस स्टेशन चला, चला चला पुलिस स्टेशन। आपने कुछ अच्छा नहीं किया। तू जा अपना काम कर, तुझे क्या करना है। मिस्टर दलाल, आपका एक गुर्दा बिल्कुल खराब हो चुका है और दूसरा होने वाला है। अगर आपने फौरन इलाज ना किया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? उसमें बहुत पैसे लगेंगे, दूसरे का गुर्दा लगाना पड़ेगा। इतने पैसे लाऊंगा कहां से मैं? डॉक्टर साहब, आपके दोनों गुर्दे हैं है? तो आप मुझे दे दीजिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छे दादा के लिए तुम लोगों की, जब चोरी करती थी तो नहीं पकड़ा, जब चोरी नहीं की तो पकड़ लिया। और जबान चलती है तुम्हारी? इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इसकी जमानत के लिए कोई आया था? जी नहीं। कमिश्नर साहब आपकी जमानत दे दो ना। आपकी सेवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे लगता है जब आपके केस का फैसला होगा तो मैं ही आपके पीछे निकलूंगी। ओहो, उस मुकदमे का इस केस से क्या मतलब? इंस्पेक्टर शर्मा, रिपोर्ट तैयार करो। यस सर। नहीं नहीं नहीं, डैडी फादर बाबू, 50 डंडे मारो मगर रिपोर्ट मत लिखो। अरे वो मत लिखो, अगर रिपोर्ट लिखी तो मैं पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाऊंगी और एक बार जेल का लेबल मेरे माथे पर लगा तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। कमिश्नर साहब, अरे हम बर्बाद हो गए। क्या बताए कमिश्नर साहब, हमारा लाइफ का कमाई वो दोनों कसाई हो गया। कौन सा हो गया? वही दोनों बाप बेटा, बड़ा मत। आपके पास कोई गवाह तो होगा ना? गवाह मैं हूँ। हाँ कमिश्नर साहब, उस दलाल को मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इस लड़की मेरे ऑफिस में ले आओ। ओके। ए, बोलो। अच्छा सर। अरे कभी कभी चल
अफ्रीका की अमीर तरीन राजकुमारी अपने जीवन साथी की तलाश में दुनिया के दौरे पर। अरे वाह, कड़के के अंधेरे में अफ्रीका के काले सूरज से निकलने वाली उम्मीद की किरण। देख आगे का रेखा है, राजकुमारी के मन को भाने वाला, म्यूजिक पे लहराने वाला, खूबसूरत नजर आने वाला जीवन साथी चाहिए। जो मैं हूँ, म्यूजिक पर लहराने वाला, खूबसूरत नजर आने वाला, मन को बहलाने वाला और कुंवारी लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाला। वाह बेटा, अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद जमल कुंजी बिन मोहतरम। Thank you.
ईमानदार आदमी है, ये मगनी का एडवांस डॉलर जो लिया था वो हम वापिस लेके आए। नोट तो असली भी पुलिस ने मार्क करके दिए थे। दलाल जूते वाला कौन दलाल? दहेज के नाम पर एडवांस लेना और बहाना बनाकर असली नोट के बदले में नकली नोट वापस करने के जो में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ दोनों। इंस्पेक्टर शर्मा सर, नहीं मैं कभी नहीं मानता हूँ मेरे को क्या कभी साहब इसको गिरफ्तार कर दिए, ये नोट बदलने का आइडिया इसका था, मेरा तो था ही नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये अपने बेटे से कह रहा था कि इस काम को अपना धंधा बना लो। मैं मानता हूँ मैं बहुत बेईमान आदमी हूँ, सारी बेईमानी का काम मैंने तुझको सिखाए, लेकिन तू तो बेटा है, क्या अपने बाप को इस उम्र में पुलिस के हवाले करेगा? उसकी इस बूढ़ी गर्दन को फांसी पे लटक नहीं देगा? मैं तो लटक जाऊंगा, लेकिन ये सोच के मेरे जाने के बाद तेरी माँ का क्या होगा? वो तो रो रो के मर जाएगी, क्या तू अपनी माँ को रोने देगा, तड़पने देगा उसको? नहीं डैडी, माँ के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब, इस काम को धंधा बनाने का आइडिया मेरा था। मेरे डैडी को जमानत पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गैर कानूनी काम मैं करता था सिर्फ मैं, और इसकी जो भी सजा हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। ओम नारायण का बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दो। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं चाहती थी। मैं इसी लायक हूँ, लेकिन अपने गुनाहों की सजा काटने के बाद जब मैं जेल से लौटूंगा तो मैं ऐसा नहीं रहूंगा, एक नया इंसान बनकर लौटूंगा, जो शायद तुम्हें भी पसंद आएगा और इस दुनिया को भी शायद। ओम नारायण नाम है मेरा, मेरे बाप का नाम है दलपत दलाल, सारे जगत को जूता पहनाता है। साले चुप कर, वरना इतना कस मारूंगा कि बुद्धि हरी हो जाएगी। मेरे को बड़ा नहीं बनता, इधर सुधरने के लिए आया हूं आपके। ये तो करिश्मा हो गया, शिकारी कैद में है और शिकार खुद उसके पास चलकर आ गया। खुदाया मेहरबान, अकबर खान तेरे नाम पर कुर्बान। वाह, अपुन को मिलने यहाँ तक पहुँच गया, मजा आ गया। कुर्ची बैठा उधर, कल मंगता। टकले तुम लोग तो मरे लोग पहुँचा था, भूल गया क्या? भाई, आपने अपने जान बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।
मौत लिखी हो, हम उससे हाथ नहीं मिलाते। अगर ये बात अगर तुमने मेरी जान की बचाई, इसलिए कि तू दूसरे के हाथ से नहीं मेरे हाथ से मरेगा। लेकिन तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी? दुश्मनी उस आदमी से है जिसका नापाक खून तेरे जिस्म की गंदी नाली में बहता है। खान, खामोश! तुम्हारे मक्कार बाप ने मेरे बाप का खून किया और तब हम अपना मरहूम बाप का मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाया। ये मिट्टी जो यादाश्त का तस्वीर बनकर हमारे गले में लटकता है, इसका कसम। जब तक तेरे बाप का पूरा खानदान खत्म नहीं करेगा, खुदा कसम, ना मौत को करीब आने देगा ना कफन पहनेगा। खाने से गोली मार दी। ओह माय गॉड, जल्दी इसे ऑपरेशन थिएटर ले चलो। मेरे ओम को बताइए जी, वो मेरा दोस्त है, मेरा प्रेमी है, मेरा होने वाला सुहाग है। उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। इसे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर ओम को कुछ हो गया तो मेरे अकबर को भी फांसी लग जाएगी। बहुत बड़ा जो अकबर खान ने ओम नारायण पे गोली चलाई, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि ओम नारायण की सजा आप माफ कर दें। तो ओम नारायण ने अपने बाप का गुनाह अपने सर लिया है। ओम नारायण ठीक होते ही रिहा हो सकता है, बस शर्त है पुलिस अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। ये रही रिपोर्ट सर। इंस्पेक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा। मिस्टर ओम नारायण अब खतरे से बाहर है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप लोग बयान ले सकते हैं। क्या ओम नारायण बच गया?
अच्छा हुआ वो बच गया, वरना तो मैं फांसी हो जाता। चले साहब, आपका ड्यूटी कितने बजे तक है? रात के 10 बजे तक। क्यों? थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। खुदा कसम मैं अस्पताल जाके उसे गोली मार दूंगा, और वादा करता हूँ आपके ड्यूटी खत्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। और ये शराब ओम नारायण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? ए, काड़े? कार्ड? देखो ना, मेरे पास राशन कार्ड है, ना पोस्ट कार्ड है, ना बैंक का कार्ड है। अरे आप ने अभी तक शादी का कार्ड नहीं देखा? ये कौन से कार्ड के बारे में बात कर रही है? ए, कहाँ जा रही हो? कहाँ? देखो मैं घर वाली हूँ, घर वाले को देखने जा रही हूँ। बाहर से आ रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं नहीं है ना, चल। एक पपी दो ना, फिर भी एक। हाँ। क्या हुआ? माँ। फिर माँ बोला तुमने? अबे तू नहीं मेरी असली माँ आ गई बे, माँ। अरे लेते रहो बेटे, लेते रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इसने तो सारी रात भर तेरी सेवा की है बेटे। अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, वरना ये और भी सेवा करती। आई बेटे, तेरी पसंद मुझे बहुत पसंद है। देखा? मेरे नहीं माँ के। इसके बापू को तेरे बापू से मिला दे, ताकि शादी की बात जल्दी पक्की हो जाए। वो माँ इसका बाप जैसा बाप तो है, मगर मगर बाप नहीं है। तो शादी के बाद कौन करेगा? शादी की बात करने के लिए माँ बाप की क्या जरूरत है? मैं जाके डायरेक्ट बात करूंगी। नमस्ते। ये निधि आपकी। ये घड़ी लौटा कर, तू जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज मांगने आई है। मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी है। बोल। मैं आसरा मांगने आई हूँ, सहारा मांगने आई हूँ। गलत जगह आई है। सही जगह पर आई हूँ। मैं वो हक मांगने आई हूँ जो हर औरत को मिलना चाहिए, वो है घर, पति, परिवार। मैंने भी घर बसाने का सपना देखा है, मुझे मेरे माँ बाप ने तो नहीं अपनाया। आप बाप बनकर मुझे अपना लीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटी? बेटी तो बोझ होती है, जिस दिन पैदा होती है माँ बाप के गले का फंदा बन जाती है, और इसीलिए जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने बेटी को पैदा करने के बजाय इंसान सारी जिंदगी बेऔलाद रहे तो आधा रोना पड़ता है, समझे? मगर बुजुर्गों ने कहा है बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बुजुर्गों ने नहीं, बेवकूफों ने कहा है, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। घर का असली चिराग होता है बेटा, जो दौलत लाता है, घर की बेटी लाता है, और साथ में जहेज लेकर आता है। बेटी क्या चीज है? बेटी तो माँ बाप के जीवन का अंधेरा होती है। सारी जिंदगी उसको खिला पिला के बड़ा करो, और एक दिन वो मांग में चवन्नी का सिंदूर लगा के दूसरों के घर चली जाती है, और जहेज की शक्ल में दौलत भी ले जाती है। इसलिए मुझे बेटी जात से नफरत है, नफरत। बापूजी, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आपका दिल पत्थर ना होता। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, तो आपका दिल पत्थर से मौन हो जाएगा। मुझे अपने बाप का प्यार नहीं मिला, आपको बेटी का प्यार नहीं मिला। बस मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपने प्यार के दामन में बिठा लीजिए। ये बदनसीब बेटी मरते दम तक आपको बेटी का प्यार देगी, और भोग सुख भी देगी।
तो तुम मेरी बहू बनना चाहती हो। तेमा जानती हो उसकी? बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, लोग अपनी बेटियों को मेरे घर की बहू बनाना चाहते थे, मगर सब निराश लौट गए। 10 लाख कीमत है उसकी, है तुम्हारे पास? बाबूजी, मैं आपके बेटे को खरीदने के लिए नहीं आई हूँ, इस घर की लक्ष्मी बनने आई हूँ। लक्ष्मी बनने आई हो? तो एक काम करो, पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, बाजार में अपनी कीमत पूछो, फिर अपने दिल से सवाल करो कि तुम इस घर की बहू तो क्या नौकरानी भी बनने के लायक हो या नहीं। बाबूजी, समझ कीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। चरणों वरनों में कोई जगह नहीं उठिया है। बाबूजी, आज आपने लक्ष्मी को घर से निकाला है, लेकिन याद रखिए, जब लक्ष्मी घर से जाती है तो घर का चैन, सुख, खुशियां सब कुछ साथ लेकर जाती है। मैं आपके चौखट से निराश होकर जा रही हूँ, लेकिन अपनी बद्दुआएं छोड़कर जा रही हूँ। आज आपने मुझको ठुकराया है, लेकिन कल तकदीर आपको ठुकराएगी, याद रखना। फैक्ट्री चल के राम हो गया सर। क्या? हाँ जी, सब कुछ चल के राम हो गया सर। लक्ष्मी का अपमान किया, क्यों रे नादान किया, बेटी को आज है घुराया, मेरी फैक्ट्री जल गई है, मैं कोड़ी कोड़ी मोताज हो गया, मेरे दलाल जूते वाला बर्बाद हो गया। एक मिनट में मेरे दलाल जूते वाला बर्बाद हो गया। आपने जब उनकी मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ख्याल रहे, आईना मैं तुम्हें सजा से नहीं बचाऊंगा। अरे ऐसी क्या बात है सर, कानून की मदद करने वाले कभी कानून के साथ मिलके गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। और मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही है ना। मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगी। जान? हाँ हाँ। तुम्हारा इंश्योरेंस है? हाँ, है। क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा था, घर में घासलेट है? हाँ, है। क्यों? मैं ऐसे ही चाय पीने को मन करा था, चाय पिला दो। अरे रामू। अरे नहीं रामू आमू नहीं। क्यों? आज मेरे मन की आशा कह रही है कि ये आशा मेरे मन की निराशा को खत्म करने के लिए एक आशा भरी चाय पिला दे, एक कप चाय पिला दो। अब भी लाती हूँ। अगर मैं इस पे 5 लीटर घासलेट डाल दूं और छोटी सी दिया सलाई जला दूं तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा। आइडिया कम बुरा है, डाल दूं। आज ये गैस वाला गैस भी नहीं लाया। क्या बात है, मैं तो चाय अभी ला ही रही थी। बाप धोने से 5 लाख की लॉटरी लगती है ऐसे।
ये सब कैसे हुआ माँ? अम्मा मुझे जरा कि इनको मेरे बीमे के 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये क्या कर रहा था? तू कौन होता बीच में बोलने वाला? ये मेरी पत्नी में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके सगी माँ का भी बीमा होता ना तो पैसों के लिए आप उसे भी चला कर रख कर देते। मगर मैं अपनी माँ को इस घर में जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। चल माँ चल। ये तो करता है कि पुलिस को फोन करके आपके हाथों में हथकड़ियां पहनवा दो। सुना शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप में इतनी सी भी शराफत बाकी है तो पाँव छुइए इस देवी के। मैं जा रहा हूं अपनी माँ के साथ। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। आज तो लिहाज कर लिया मगर आगे नहीं करूंगा। याद रखिएगा। चल बा आपको 10 लाख देने हैं ना? और शेठ धनराज आपकी मुझ पर 15 लाख रुपए बाकी है। और क्या है मेरी हालत बहुत खराब है। एक थोड़ा सा वक्त दे दो भाई। बस खत्म हो चुका। हम तुमसे वक्त मांगने नहीं आए हैं, अपना बंगला खाली करवाने आए हैं। लेकिन मैं अपना फर्नीचर लेने आया हूँ। अरे तुम्हें बाहर फेंकवाने आया हूँ। हवलदार इसे बाहर निकालो। नहीं नहीं अरे ठहरो। अरे अरे बात सुनो। अरे अरे मैं रहूंगा किधर यार? फुटपाथ पर क्या जल्दी? फुटपाथ पर क्या करेंगे? अरे बात सुनो। जल्दी तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ दलाल, जूते वाला। जूते वाले का हाल नए जूते से पुराने जूते जैसा हो गया है। चल चल जल्दी कर। क्यों होने वाली बहू का शू पॉलिश करने नहीं शर्म आ रही है क्या? बेटे मेरा मतलब बहू, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? कभी बुरा सुलूक किया? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने घर बुलाकर मेरा स्वागत किया, मेरा बड़ा आदर किया। एक बार तुमने कुछ जहेज का जिक्र किया था तो मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया था तो मेरा मन मेरे अंदर से निकला। उसने मुझे गाली दी कि कमबख्त तू इतना पैसा मांगता है, तो अब तुम थोड़ा भी दोगे तो चलेगा, बाकी का बाद में दे देना। ये 1 रुपया पॉलिश के लिए और 1 रुपया मेरे गुर्दे बहुत दिनों से खराब है। जल्दी उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दो। डॉक्टर से कहना सारा खर्च मैं दूंगी। जल्दी अंकल आपकी दोनों किडनी खराब है। अगर आपने जल्द से जल्द अपने खानदान के किसी आदमी से नई किडनी लेके नहीं लगवाया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या होती बेटे? मतलब मैं अंकल आप ओम से क्यों नहीं मांगते? नहीं नहीं वो तो मुझसे लड़कर घर छोड़कर चला गया, मुझसे नफरत करता है। ऐसे में कौन किडनी देगा मुझको? अंकल सुनो, तुम बंदूक ना? हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं दलाल हूँ। दलाल? दलाल? परसों पहले कोर्ट ने तुम एक बच्ची पालने को दी थी ना? हाँ दी थी। वो बच्ची कहाँ है? मुझे एक बार मिला दो उससे। अरे तुम तो उससे मिल चुके हो। क्यों उसे धक्के मार के घर से नहीं निकाल दिया था मेरी लक्ष्मी को? सुनो एक बार उससे मिला दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखो मैं सामने जूते की दुकान में काम करता हूँ, एक बार मुझे उससे मिला दो। गया था, उन्होंने कहा कि मेरे दोनों गुर्दे बेकार हैं, एक गुर्दा अगर तुम दे दो कि तुम्हें जी सकता हूँ। दीदी अब तो तुम ही मेरे लिए लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? किसी लक्ष्मी को ठोकर मारकर घर से निकाल दिया था। उस दिन मैं तुम्हारे पैर छू रही थी और याद है मैंने क्या कहा था? आज आपने मुझे ठुकराया है,
कल तकदीर आपको ठुकराएगी। अब आपकी जान बचाने की कीमत 15 लाख है, 5 लाख गुर्दे की और 10 लाख दहेज के लिए। लक्ष्मी ने तुझसे 15 लाख रुपए मांगे? छी 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 छी, तब तो जूता वाला तेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। और सुन, वैसे ही तू आधा मरा हुआ है, कौन आदमी तेरे पे 15 लाख रुपए खर्चा करेगा? तू ऐसा कर, तू खुदकुशी कर ले और तेरी अर्थी पर जो 15-20 रुपए खर्चा होंगे वो मैं कर दूंगा। हाँ? मेरे ऊपर रहम कर, देख मेरी बात। अरे अरे बाहर फेंक कर दे, इस नागरिक दास सुन, ये बच्चा, अरे ये बच्चा, मेरी बात सुन, ये बच्चा, ये बच्चा, ये अच्छी बात है मिस्टर डिक कोस्टा, ये खून के धब्बे याद रखना। अब अगर मैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, तुमको साथ लेके मरूंगा। ये दलाल जूते वाला जिसने तुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है, एक दिन तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खींच लेगा। मैं मानता हूं कि मैं जिस्मानी तौर पे कमजोर हूं, मगर मेरे दिमाग की ताकत बहुत ज्यादा है। और एक दिन ऐसे दिमाग की ताकत से मारूंगा कि तुम लोग खड़ा कर सीधे आकर जूते वालों के जूतों पे गिर जाओगे और वो तुम्हें ठोकर मार के ऐसे फेंक देगा, ऐसे। सामने देख, सामने देख, सामने देख, गाड़ी चलाते हुए। हेलो हेलो डैडी, डैडी दलाल अंकल मुझे जबरदस्ती उठा कर यहाँ लिया। मिस्टर डिक कोस्टा, देखा दलाल जूते वाले की ताकत। अब सीधे 15 लाख रुपए मेरे हवाले कर दे, ना मैं तेरी बेटी के 15 लाख छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे घर भेज दूंगा। जूते वाला दलाल, तुम्हारा दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है। ठीक है ब्रदर, तुम अपन को थोड़ी देर के बाद फोन करो, हम पैसे का बंदोबस्त करना है। और रिटेल का ख्याल रखना। यस सर। दलाल का जान बचाने वाला लक्ष्मी, हम तो फौरन इधर मांगता है, उठा कर लो। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आ गया। अब तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। कौन? पुलिस। क्या है? तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? जी नहीं। हाँ। तुम्हारे खिलाफ वारंट है, पुलिस स्टेशन चलो। मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। नहीं हो? हाँ नया नया आया हूँ, चलो पुलिस। अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरी सारी गैर कानूनी काम छोड़ दिए। जाके पुलिस स्टेशन में पता चला। क्या हुआ लक्ष्मी? किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो इंस्पेक्टर? तो जान मुझे बचा लीजिए कमिश्नर साहब। लेबल भी नहीं है, शायद गिर गया होगा। हाँ हाँ, अपने से बड़े अफसर को सैल्यूट करना नहीं सीखा तुमने? सलाम करो भैया। अब चल। इस लड़की का अरेस्ट वारंट कहाँ? घर छोड़ा है। मुझे तुम नकली इंस्पेक्टर लगते हो। क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। अरे केस तेरा नहीं मेरा है, इसमें आइडेंटिटी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ओ आई सी। फोन? मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम लोगों को पकड़वाती हूँ और सबको हत्या दिलवाती हूँ। हेलो पुलिस। यस पुलिस स्टेशन। कुछ नकली पुलिस वालों ने कमिश्नर साहब को खून कर दिया है और मुझे यहाँ ले आए हैं। अभी स्मार्ट है। चले। यस सर। दलाल बिना जूता वाले को फोन करो, साले कहो कि उसकी लक्ष्मी हमारे पास आए। लक्ष्मी को उठा के ले गए। कौन? पुलिस वाले। पुलिस वाले? मुझे लगता है वो नकली पुलिस वाले थे। जाओ बेटे, लक्ष्मी को लेके आओ। जाओ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। तुम फिक्र मत करना, तुम चिंता मत करना। वेलकम वेलकम बिना चिंता वाला दलाल, अब जल्दी से हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें नई जिंदगी देने वाली तुम्हारी इस बेटी को हम गोली मार देगा।
तुम्हारे दिल? ये मेरी बेटी नहीं। अब वो राज छुपाने का कोई फायदा नहीं। जिस कमिश्नर का बेटा तुमने उठाया था वो कमिश्नर मर चुका है। आप उसको अपने हाथ से गोली मारेगा। अभी अपने को कानून से कोई खतरा नहीं। कमिश्नर मर गया? नहीं बेटी, मैं सचमुच तेरा बाप हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? एक गुर्दे के लिए नकली बाप बनने को भी तैयार हो गए? नकली नहीं बेटी, आज जिंदगी में पहली मरतबा मैं सच बोल रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बोला? कमिश्नर के डर से आज वो मर गया तो खुद बखुद मेरे मुंह से सच निकल रहा है। यार तुम भी तो कुछ बोलना। मेरे अस्पताल में दलाल की बीवी को एक लड़की पैदा हुई थी जो तुम हो, और पुलिस कमिश्नर की बीवी को एक लड़का पैदा हुआ था जो नारायण है। लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें कमिश्नर की बीवी के कमरे में डाल दिया और नारायण को उठाकर चला गया। एक कुर्ता दे दे मेरे को, वरना मैं दर्द से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। खबरदार लक्ष्मी, इस जैसे बाप का मर जाना ही अच्छा है। नहीं, तुम बीच में मत बोलो। तुम आज तक ये सब मुझसे छुपाते रहे। ये जेडी अस्पताल मेरी माँ की यादगार है, और तुमने इसे अपने गुनाहों और गैर कानूनी कारनामों का अड्डा बना दिया। बेटी, ये सब मेरा नहीं, इसका किया हुआ है। साला बेटी को देख रहा तो शरीफ बनने तो लग गया। बेटी, आज तक यहाँ जो भी गैर कानूनी काम हुआ है ना, वो हम दोनों ने मिलकर किया है। आजम खान का खून भी तेरे बाप ने किया, मैंने सिर्फ मदद की है उसकी। उसके बाद इसने ऐसा चक्कर चलाया, आजम खान का बेटा अकबर खान मेरी और नारायण की जान का दुश्मन बन गया और ये बच के निकल गया। दलाल, अला 420 दुनिया के बोल खोलता है, और जब खुद की बारी आई तो अपनी जबान में ताला लगा के बैठ गया। अगर है हिम्मत तो बोल अपनी बेटी को, बोल उसकी माँ का खून तूने किया था। कहो तो गोली मार दू। नो, गिव इट टू मी। तुम कैसे लोगों को गोली मार? ये दर्द मार डालेगा मुझको। इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जिंदा? कानून मरकर भी गैर कानूनी लोगों को मारने आ पहुंचता है, पकड़ो इन सबको। लेकिन एक बात याद रखना, हमें हथकड़ियां लगते ही तुम अपने खोए हुए बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जिस बेटे को तुम पाने के लिए 20 साल तक मुकदमा लड़ रहे थे, आज उस बेटे को तुम पा सकते हो, मगर गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं। 5 लाख रुपए है कमिश्नर, अगर तुम हमारे आदमियों को छोड़ दो और हमें शहर से बाहर करवा दो तो हम इन रुपयों के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बेटा भी दिलवा देंगे। मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वादा कीजिए आप मेरे बेटे को वापस लाएंगे। वादा कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इन आदमियों को छोड़ दो और सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ। इस जुर्म के लिए मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ सर? तब तक नहीं जब तक तुम्हारे पास मेरा एरेस्ट वारंट ना हो। पहले आईजीपी साहब के पास जाओ, मेरा एरेस्ट वारंट बनाओ, तब बात करेंगे। गेट आउट। क्राइम ब्रांच में मुस्तफा जमाल का नाम है ना? मुस्तफा जमाल से कहो कि मुझे यहाँ फौरन फोन करे। आउट। चला। मुस्तफा जमाल का नाम आप तो पहली बार सुन रहे हैं। मैं तो तुम्हें बहुत पक्का समझता था, लेकिन तुम कच्चे निकले। मुस्तफा जमाल गुनाहों की काली दुनिया का बादशाह, मेरा अजीज दोस्त। उसके पास कई एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि
उसके हेलीकॉप्टर के जरिए हम सरहद पार कर जाए। अब तो बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। तुझे मारकर ही वापस आऊंगा। जेल में तू नहीं, तेरी लाश जाएगी और उसे अपने कंधे पर मैं ले जाऊंगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अकबर खान। रीटा, ये क्या हो गया रीटा? अब वो तुम्हारा दुश्मन है। रीटा, रीटा, तुम कमिश्नर साहब के बेटे हो। दलाल के लिए। रीटा, ये क्या कह रही रीटा? मैं सब सुन के आ रही हूँ। दलाल ने तुम्हें अस्पताल से उठा लिया था। तुम कमिश्नर साहब के बेटे हो और लक्ष्मी दलाल की बेटी। बेटा, तुम्हारे हाल कैसे? दादी ने तुम्हारे बाप का खून मेरे बाप ने किया था। तुम उसे बदला जरूर लेना, जरूर लेना। अकबर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं खान, ये मौका मिलकर लड़ने का है। उसकी जगह खतरे में है। क्या लगता? बेटा, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ रीटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये पिस्तौल मुझे दो। अब ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त। मिस्टर काबिल खन्ना, दलाल और मैं एक गैर कानूनी रिश्ते में बन गए हैं और अब तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हाँ बेटे, हाँ। तुम्हारी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने का यही एक तरीका था। अब मैं पुलिस कमिश्नर नहीं हूँ, सिर्फ एक बाप। हाथ मत लगाइए मुझे, आपको तो बाप कहना ही बाप है। एक कमिश्नर जो गुनाह के जाल में फंस गया हो, उसे तो बाप कहना भी गुनाह है। क्या आपके पाँव में तो भ्रष्टाचार की जंजीरें बंधी हुई हैं, मगर मैं अपने भविष्य को गुनाहों के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी को लेकर जा रहा हूं, जा रहा हूं। करो नारायण, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया है वही बाप ना पर मानी के जुर्म में तुम्हें गोली भी मार सकता है। करो लक्ष्मी, चलाइए गोली।
मेरे बाप कमिश्नर कपिल खन्ना का सच्चा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। ना वो मौत से डरता था, ना मैं मौत से डरता हूँ। चलाई गोली। नहीं, प्लीज नहीं। हेलो कमिश्नर कपिल खन्ना, यार तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मुस्तफा जमाल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को स्मगलर बना दिया। यार तुम्हारे इंस्पेक्टर शर्मा तो बहुत ही सीरियस नजर आ रहे हैं। कितने लोग आएंगे जेल में? 10-12 सर। आप एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज रात ही अपनी गैंग के साथ सरहद पार करना चाहता हूँ। फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं? सालों को डंडे मार मार कर जेल की कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बंदोबस्त होते ही आप मुझे एक फोन करवा दें। मैं आपके साथ हूँ। गद्दार पुलिस के कुत्ते! नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हालत कर दें कि दुनिया का कोई भी कफन इनके शरीर को ढकने से घबराए। कफन तो मैं लाया हूं हरामजादो। एक तो अपने मरहूम बाप की तरफ से और एक अपनी रीता की तरफ से। जिन हाथों से रीता को दफनाया है उन्हीं हाथों से तुम्हें दफनाऊंगा। मर्द तो गोली और मारता ना तो शायद मर जाता, मगर ऐसा कमीना तो 50 गोली भी और मारे ना तो भी मैं मरूंगा नहीं।
डिकोस्टा, डिकोस्टा। शुक्रिया मेरे दोस्त, बदला लेने में तूने मेरी मदद की। नहीं कहा नहीं दोस्त बनते ही छोड़कर मत जा। देख नहीं, देख दोस्त नहीं, देख देख रीटा मेरा मेरा इंतजार कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। Jamal la pai jamal la pyar